हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका बीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ईसीएस क्रोटिया टी10 मैच की। जस और सॉस के बीच में होने वाला ये मैच 17वां मैच होगा इस सीरीज का, जो कि 27 अक्टूबर को 12:30 बजे शुरू होगा। वेदर की बात की जाए तो बरसात होने के कोई चांस नहीं है। वेन्यू आपका मladost क्रिकेट ग्राउंड ज़ाग्रेब क्रोटिया का। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो बैलेंस विकेट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है 70 से 100 के बीच में है। जस्ट के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो जुगल मंजूर ने अब तक जो अपनी इनिंग खेली है उसमें जो उनका परफॉर्मेंस है वो 19-4-0 19-5-1 का है। अभी चाहें तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, अभी तक इनकी परफॉर्मेंस में कोई भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। राशिद हाशमी की बात की जाए तो 13 पहली मैच में, उसके बाद 2 इनिंग 0 की गई हैं, फिर 8-0-19 की गई हैं। लास्ट मैच में इन्होंने ज़रूर 19 की एक इनिंग खेली, जो कि अब तक की इनके खेली गई सभी इनिंगों में सबसे अच्छी इनिंग है, क्योंकि इससे बड़ी तक इन्होंने अभी तक कोई इनिंग ही नहीं खेली है। अमन चौबे की बात की जाए और इनके लास्ट अभी तक इन्होंने 6 इनिंगें खेली हैं, लेकिन मैं इनको आपको लास्ट की जो 3 इनिंगें उनके बारे में बताऊँगा। बाकी अगर आप इनके पीरू देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले इनकी जो 3 इनिंगों है उसमें चौथे इनिंग की अगर बात करें तो 1 रन बनाया, 2 ओवर 1 विकेट। पाँचवें मैच में इन्होंने 4 रन बनाए, 1 ओवर विकेट नहीं, और लास्ट मैच में इन्होंने 9 रन बनाए, 2 ओवर विकेट नहीं मिला। देख सकते हैं नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप दे रहे हैं, तो ये आपकी टीम में होनी ही चाहिए। कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं अगर आप मेगा लीग खेल रहे हैं, और मेगा ही लीग खेलें हेड टू हेड थोड़े रिस्की होते हैं। और गुरप्रीत सिंह की अगर बात करें और इनके लास्ट के 3 मैचों की बात करें तो 4th मैच में इन्होंने 8 रन बनाए, पहले में 1 ओवर फेंका 1 विकेट नहीं मिला, और 5वें मैच में 1 रन बनाया, 1 ओवर फेंका 1 विकेट, और लास्ट मैच में इन्होंने 1 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले। अमन महेश्वरी की बात करें और इनके लास्ट 3 मैचों की बात करें तो 4th मैच में इन्होंने 4 रन बनाए, 1 ओवर गेंदबाजी विकेट नहीं, 5वें मैच में 38 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी विकेट नहीं, लास्ट मैच में इन्होंने 15 रन बनाए, 1.3 ओवर की लमसम 2 ओवर और 2 विकेट निकाले, जिसमें लास्ट मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अर्पित शुक्ला की बात करें तो अभी तक जो इन्होंने इनिंग खेली है उसका कुछ खास नहीं है, 13-6-19-4 और 5वें मैच में इन्होंने 3 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट, लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें बैटिंग करते हुए 13 रन बनाए जिसमें विकेट तो इन्हें नहीं मिला है। सोहेल अहमद की बात की जाए और इनके लास्ट 3 मैचों की बात की जाए तो जल्दी आउट हो गए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी की, विकेट 1 विकेट निकाला, और 5वें मैच में इन्होंने 26 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट, लास्ट मैच में इन्होंने 10 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट। अनिल शर्मा की बात की जाए कोई खास पिक नहीं है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। आर मुरुगन की बात की जाए तो ये भी कोई खास पिक नहीं है, अभी तक इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मौका मिला है तब भी इतना कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सके हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मौसद राणा की बात की जाए अभी तक लमसम शुरुआत के अपने 3 मैचों में 1-1 ओवर फेंका है अपने सभी मैचों में, जो भी जिसमें भी इन्होंने बॉलिंग कराई उस पहले ही मैच में इन्हें विकेट मिला, उसके बाद इन्हें मौका नहीं मिला, मतलब विकेट नहीं मिला, और फिर एक मैच में मौका नहीं मिला, दूसरे मैच खेले नहीं, और लास्ट मैच में भी ना मौका नहीं मिला बैटिंग या बॉलिंग का। डेविड स्किनिंगर की बात की जाए तो शुरुआत मैच खेले नहीं और लास्ट मैच जो खेले उसमें बैटिंग या बॉलिंग का मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग के ओवर आपके लिए लेके आते हैं हरप्रीत शुक्ला, अमन चौबे, सोहेल अहमद एंड अमित महेश्वरी। डेथ ओवर में आपके लिए आते हैं सोहेल अहमद, गुरप्रीत सिंह, अमन महेश्वरी। अगर इनकी टीम से अगर आप कोई प्लेयर लेने की बात करें तो आप अमन चौबे ले सकते हैं, गुरप्रीत सिंह, अमन महेश्वरी, अर्पित शुक्ला, सोहेल अहमद, ये 4-5 प्लेयर जो हैं आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऊपर से जो प्लेयर कोई लेने की सोच रहे हैं तो राशिद हाशमी या सागर मंजूर में से किसी भी एक को आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सागर मंजूर ज़्यादा सही रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी दूसरी टीम की बात करें सॉस की, तो प्लेइंग 11 की जिसमें कृष्णा अधिकारी की अगर लास्ट के मैचों की बात करें तो 1-47-0-18-8
की इनिंग रही हैं, चाहे तो ड्रॉप कर भी सकते हैं, कुछ खास पिक नहीं है इतनी। किसी किसी मैच में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं और बॉलिंग भी किसी किसी मैच में कर देते हैं, कितनी करेंगे ये कोई इसमें गारंटी नहीं है, क्योंकि 10-10 ओवर के मैच में मैक्सिमम प्लेयर जो हैं इनके वो बॉलिंग करते हैं और उस वजह से इनको बॉलिंग मिलती भी है नहीं मिलती है। एक ही दो मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है, इसके अलावा बॉलिंग नहीं की है। आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। सैम की बात करें, शुरुआती मैचों में इन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन अब ये बराबर अपने मैचों में बैटिंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप इनको कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में देख सकते हैं। लास्ट के तीन मैचों में अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 34 2/3 विकेट, 13 2/2 विकेट नहीं, और लास्ट मैच में 3 run 2/2 विकेट। कप्तानी या वाइस कप्तानी के बहुत अच्छे प्लेयर। अनुपम सिंह की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, कप्तानी बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बाकत दे रहे हैं, नंबर 3 पे आ रहे हैं। लास्ट के तीन मैचों की बात की जाए तो 22 run 2/1 विकेट, 46 run 2/2 विकेट नहीं, और लास्ट मैच में एक रन बनाए बैटिंग करते हुए, एक ओवर भेगा जिसमें विकेट नहीं मिला। कार्तिक गुप्ता की बात की जाए तो कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में नहीं, लेकिन आप प्लेयर के एक जरूर रख सकते हैं, बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप है। अगर इनके लास्ट के तीन इनिंग की बात की जाए तो 2 run 1/2 विकेट नहीं, 1 विकेट 2/2 फेंकते हुए और 21 run 2/2 विकेट नहीं। जानी की बात की जाए तो सिर्फ इन्होंने एक मैच खेला है जिसमें 2 run बनाए हैं लास्ट और 1 ओवर फेंकते हुए विकेट नहीं निकाल पाए हैं। सिमरनजीत की बात की जाए तो इन्होंने भी अभी तक एक ही मैच खेला है, 11 run 1/2 विकेट नहीं। चेतन की बात की जाए तो लास्ट के मैचों की इनकी बात की जाए तो 2 run 1/1 विकेट, 3 विकेट 2/2 फेंक के और लास्ट मैच में इन्होंने जल्दी बैटिंग का मौका मिला, जल्दी आउट हुए, 2 विकेट मिले 2 ओवर फेंकते हुए। मोटा की बात की जाए और लास्ट मैच इनकी इनिंग की तो लास्ट के दो मैचों में इनको जो मौका नहीं मिला और लास्ट के मैच में जो है इन्हें 1 ओवर फेंका विकेट नहीं मिला। इवान की बात की जाए तो अपने शुरुआती मैचों में जो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद ये तीन मैचों में खेले नहीं, लास्ट के दो मैच खेले हैं उसमें इन्हें बैटिंग जल्दी आउट हो गए हैं, कोई खास पिक नहीं, ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंच जेंटर की बात करें, ड्रॉप कर सकते हैं, कोई खास पिक नहीं है। आर अबाला की बात सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एक ही मैच खेला है जिसमें बैटिंग या बॉलिंग का मौका नहीं। स्टार्टिंग के ओवर आपके लिए लेके आते हैं अनुपम सिंह, कार्तिक गुप्ता, चेतन एथ्री, डेथ ओवर में सैम, जानीमन, सिमरनजीत सिंह एंड माटा। इनकी तरफ से अगर प्लेयरों को लेने की बात की जाए तो कृष्ण अधिकारी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग कर रहे हैं तो प्लेयर अच्छे हैं, बाकी कुछ खास इतने पिक नहीं है। नीचे जो है प्लेयर हैं सैम, अनुपम सिंह, कार्तिक गुप्ता और इसके अलावा छेत्री को आप ट्राई कर सकते हैं, और चाहे तो आप जॉनी सिमरनजीत को ट्राई कर सकते हैं। 22 लास्ट मैच में इन्होंने डेथ ओवर में 1 ओवर डाला था तो, और बैटिंग भी अगर थोड़ी सी ऊपर कर रहे हैं तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बेंच प्लेयर से कोई प्लेयर को खिलाया जाता है तो उसके लिए साजिद खान, अतीकुर रहमान एंड रजा फैजल हैं। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो अभी तक हमारी ये प्लेइंग 11 है, सब प्लेयर खेलते हैं, तो आप इस टीम के साथ जा रहे हैं, अगर जा सकते हैं अपने चाहें तो आप इसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। हेड टू हेड ना खेल के मेगा लीग खेलें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैक्सिमम प्लेयर बॉलिंग डालते हैं, कब कौन प्लेयर बॉलिंग डाल देगा, कितने ओवर की डाल देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे मैच रिस्की मैच होते हैं हमेशा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद दोस्तों।